हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल मीडिया एजुकेटर में। तो कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था लॉस्वेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रैड डॉक मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ब्रैड डॉक ने अपनी तरफ से कोई मॉडल प्रपोज नहीं किया था, उन्होंने 1958 में जो लॉस्वेल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है उसी मॉडल को थोड़ा सा इम्प्रूव करके उसमें दो नए एलिमेंट और ऐड किए थे। यानी ब्रैड डॉक का अपना कोई कम्युनिकेशन मॉडल नहीं है, उन्होंने सिर्फ क्या किया है, लॉस्वेल का जो मॉडल है उसी मॉडल में उन्होंने दो नए एलिमेंट और ऐड कर दिए हैं, जिसकी वजह से लॉस्वेल का जो कम्युनिकेशन मॉडल है वो थोड़ा और इफेक्टिव हो गया। ठीक है, तो वो कौन कौन से दो एलिमेंट थे? तो पहला है अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस, ठीक है। सेकेंड है आपका फॉर व्हाट पर्पज। इन दो एलिमेंट को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा लॉस्वेल का जो कम्युनिकेशन मॉडल है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो लॉस्वेल ने क्या किया था, अपने कम्युनिकेशन मॉडल में टोटल पांच एलिमेंट दिए थे जो क्वेश्चन फॉर्म में दिए हैं, जैसे हु है जो कम्युनिकेटर की बात करता है, सेज व्हाट है जो मैसेज की बात करता है, ठीक है, इन विच चैनल जो मीडियम की बात करता है, टू हूम जो रिसीवर और ऑडियंस की बात करता है, विद व्हाट इफेक्ट, ठीक है, जो ऑडियंस पे पड़ने वाले इफेक्ट की बात करता है। यानी जो इस कम्युनिकेशन प्रोसेस में सबसे की एलिमेंट कौन सा है आपका, यानी कम्युनिकेटर, इसको सेंडर भी बोल सकते हैं, ठीक है, सोर्स भी बोल सकते हैं, यानी यहाँ से कोई कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो सबसे मेन एलिमेंट आपका कौन सा हुआ, हु। कम्युनिकेटर जितना अच्छा होगा, कम्युनिकेटर जितना स्किलफुल होगा, कम्युनिकेशन उतना ही इफेक्टिव रहेगा। सेज व्हाट, यानी कम्युनिकेटर जो मैसेज सेंड कर रहा है या जो अपनी ऑडियंस को या रिसीवर को वो जो मैसेज भेज रहा है वो मैसेज कितना स्ट्रांग है, उस मैसेज में क्या क्वालिटीज है, जितना क्वालिटी कंटेंट होगा, जितना क्वालिटी मैसेज होगा वो रिसीवर को उतना ही अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट है इन विच चैनल, यानी कम्युनिकेटर ने अपने जो मैसेज है वो रिसीवर तक पहुँचाने के लिए किस मीडियम का चूज किया है, टेलीविजन का चूज किया है या इंटरनेट का किया है, रेडियो का किया है, न्यूज़पेपर का किया है, कि इसमें से कौन सा चैनल उसने अपनी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए उसने चूज किया है, ठीक है। टू हूम, यानी कम्युनिकेटर ने जो मैसेज भेजा है वो किस ऑडियंस को भेजा है, यानी उनका रिसीवर कौन है, ठीक है। जब आप इन सारी चीजों का ध्यान रखते हो तो उस मैसेज का अपनी ऑडियंस के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अगर कम्युनिकेशन प्रोसेस में आपने सारी चीजें अच्छे से फॉलो की हैं तो आपका जो इफेक्ट है वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, या जो आप इफेक्ट डालना चाह रहे हैं या जिस तरीके से आप इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं उसी तरीके से ऑडियंस पर इफेक्ट होगा। इसी एलिमेंट के बीच ब्रैड डॉक ने क्या किया, दो एलिमेंट और जोड़ दिए। तो ब्रैड डॉक ने लॉस्वेल के मॉडल में पहला एलिमेंट जो ऐड किया था वो था अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस, यानी जो कम्युनिकेशन आप कर रहे हो वो किन परिस्थितियों में कर रहे हो। अगर कम्युनिकेशन करते टाइम परिस्थितियां आपके अनुकूल हैं, कंडीशन आपके अनुकूल हैं, आपके फेवर में काम कर रही हैं, तो जो भी आप कम्युनिकेशन करोगे उसके इफेक्टिव होने के चांसेस ज्यादा होंगे। लेकिन अगर कंडीशन अच्छी नहीं है, आपके फेवर में नहीं है, तो कम्युनिकेशन फेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जैसे कोरोना खत्म होने के बाद बहुत सारी मूवी रिलीज की गई थिएटर्स में, लेकिन किसी भी मूवी ने बहुत ज्यादा अच्छा बिजनेस नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि परिस्थितियां उस समय उतनी अच्छी नहीं थी कि लोग अपना पैसा खर्च करके थिएटर में मूवी देखने के लिए जाएं, क्योंकि कोरोना में बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, बहुत सारी दिक्कतें लोगों को हुई। उन परिस्थितियों में अगर आप थिएटर में मूवी रिलीज करोगे जिस समय लोगों के पास पैसा नहीं है खर्च करने के लिए, वो अपनी सेविंग को बचा रहे हैं या जो सेविंग उन्होंने बचा के रखी हुई थी वो पूरी तरीके से खर्च हो रही है, तो ऐसी परिस्थितियों में कोई मूवी चल ही नहीं पाई। ऐसा नहीं है कि सारी मूवीज का कंटेंट बहुत खराब था, लेकिन परिस्थितियां उस समय थिएटर और फिल्मों के अनुकूल नहीं था। इसको दूसरे एग्जांपल से भी समझते हैं कि सपोज आपको पापा से घर पर कोई बात करनी है लेकिन आपको लग रहा है कि आज उनका मूड ठीक नहीं है, तो उस पीरियड में आप क्या करोगे, जो आप अपनी बात रखना चाहते हो या जो अपनी बात कहना चाहते हो शायद उस दिन वो आप अवॉइड करोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि परिस्थितियां जो हैं अनुकूल नहीं है, तो आप क्या करोगे उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए उस समय आप वो चीज़ उनको कहोगे ही नहीं,
लेकिन जैसे ही आपको लगेगा कि हाँ पापा का मूड ठीक है, अभी मैं आप उनसे बात कर सकता हूँ, उनसे कम्युनिकेट कर सकता हूँ, अपनी जो बात है वो उनको बता सकता हूँ, तो आप क्या करते हो, उनसे कम्युनिकेट करते हो। तो वैसे ही है कि जब भी आप कम्युनिकेट करते हो उस समय ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि परिस्थितियाँ कैसी हैं आपके आसपास की, ठीक है, या जिन लोगों से आप कम्युनिकेट करने जा रहे हो, अपनी ऑडियंस से, उनका मूड कैसा है, उनकी परिस्थितियाँ कैसी हैं। तो कम्युनिकेशन करते टाइम आपको ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आप किन परिस्थितियों में कम्युनिकेट कर रहे हो। ब्रैड डॉक ने जो सेकंड एलिमेंट लॉसवेल के मॉडल में ऐड किया था वो है फॉर व्हाट पर्पस। इसको एरिस्टोटल के ओकेजन से भी समझ सकते हैं। जैसे एरिस्टोटल के मॉडल में हम लोगों ने क्या बताया था कि जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो उस कम्युनिकेशन को करते टाइम आपको क्या ध्यान रखना है कि ओकेजन क्या है, ठीक है। वैसे ही ब्रैड डॉक ने लॉसवेल के मॉडल में क्या एलिमेंट ऐड किया है, फॉर व्हाट पर्पस, कि आपका पर्पस क्या है कम्युनिकेशन करने का, कि अगर आपका पर्पस सही होगा, वो आपकी ऑडियंस तक वो पहुंच पाएगा, तो जो आपका कम्युनिकेशन है वो बहुत इफेक्टिव होगा। लेकिन अगर आपकी ऑडियंस को कहीं भी लगता है कि आपका जो पर्पज है वो सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए है, उन लोगों के बेनिफिट के लिए नहीं है, तो आपका कम्युनिकेशन फेल होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। आपकी जो ऑडियंस है, जो आपका जो रिसीवर है, वो आपको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा। जैसे सेल्स मैन है, जब सेल्स मैन लोगों से बात करता है तो लोगों को ये पता है कि ये सिर्फ अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए आया है या उसको बेचने की कोशिश कर रहा है, तो आप उस तरीके से रिएक्ट करते हो। वहीं अगर कहीं बाढ़ आती है या कोरोना जैसी सिचुएशन हो जाती है या कहीं भूकंप आ जाता है, तो अगर वहाँ बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है तो सरकार हो गई, प्राइवेट एंटिटी हो गई, कुछ एनजीओज हो गए, तो क्या करते हैं, फंड रेज करते हैं लोगों के लिए कि उन लोगों की हेल्प हो सके। तो आपको यहाँ क्या दिखाई देता है लोगों को कि जो पर्पज है वो किसी कॉज के लिए हो रहा है, तो आप क्या करते हो उसमें पार्टिसिपेट करते हो, अपने हिसाब से उसमें कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हो। क्यों? क्योंकि आपको वो पर्पज क्लियर नज़र आ रहा है कि कोई निगेटिव पर्पज नहीं है, ठीक है। जैसे कोरोना के टाइम पे जो सोनू सूद है, तो उन्होंने जो कम्युनिकेट किया लोगों से, जो या उन्होंने जो हेल्प की लोगों की, उससे लोग उनसे जुड़े क्योंकि लोगों को उनका पर्पज सही लग रहा था, ठीक है। तो किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या पर्पज है उस कम्युनिकेशन करने का, क्यों आप कर रहे हो, ठीक है, तो वो अपनी ऑडियंस को समझाना बहुत ज़रूरी है। तभी आप अपनी ऑडियंस से या जिनके साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हो उनसे कनेक्ट हो पाओगे और जो आपका जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव हो पाएगा। तो ब्रैड डॉक ने यही दो एलिमेंट लॉसवेल के कम्युनिकेशन मॉडल में ऐड किए थे। तो ब्रैड डॉक ने अलग से अपना कोई कम्युनिकेशन मॉडल नहीं दिया था, उन्होंने सिर्फ लॉसवेल के जो कम्युनिकेशन मॉडल है उसी में ये दो एलिमेंट ऐड किए थे, जिससे लॉसवेल का जो कम्युनिकेशन मॉडल है और इफेक्टिव हो गया। अगर आप लोगों को ये इंफॉर्मेटिव वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह हम और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे।